या जो जाकरी ने आगे जाके पढ़ना है वो बानी पूछेंगे किथे रह गया वे। जी हाँ, पहले पता नहीं मेरी कोई तकरीर आगे जाके बताए या ना बताए, इतना लेट कर दूंगा तो सारों को मेरा जिक्र करना पड़ेगा। हर बंदा घर जाके बताएगा, हर बंदा घर जाके बताएगा, मौलवी लंबा हो गया था, नबी को उनकी असलियत का पता था, ये मेरी तकरीर छुपा देंगे। नबी ने 8 घंटे लेट करवा के रात गदीर में सुला दिया, अगले दिन हर बंदा अपने अपने घर लेट पहुंचा। हर किसी से घर वालों ने पूछा कहां रह गए थे, मजबूरन बताना पड़ा अली की विलायत का ऐलान। और दूसरा कानून शामी ने गिरामी का, जब मोहम्मद मुस्तफा ने तकरीर की सर से लेकर पांव तक पसीना आ गया, ऐलान जरूरी था नबी से करवा दिया, पसीना देख के बर्दाश्त ना हुआ, मुस्तफा मिंबर से उतरने लगे, रस्ते में जिब्रील आ गया, आवाज देके कहने लगा वो कह रहा है कि मजदूर की उजरत पसीना खुश्क होने से पहले दे देनी चाहिए। मुस्तफा ने झोली फैलाई, उजरत की आवाज, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। विलायत के ऐलान की मजदूरी है, दीन मुकम्मल हो गया। दूसरा कानून क्या था, अबू जहल ने मदीने मक्के के शहर में मोहम्मद मुस्तफा की रिसालत से जलते हुए अल्लाह से कहा, अगर वाकई मोहम्मद को तूने नबी बनाया है तो आसमान से मुझ पर अजाब नाजिल कर, अजाब ना आया, आयत आ गई, इन पे कैसे अजाब नाजिल करूं, वह अंत फी है मेरे हबीब, इनमें तू रहता है। कानून बन गया, जहां मोहम्मद होगा वहां रहमत होगी, जहां मुस्तफा होगा वहां अजाब नहीं आएगा, जहां मुस्तफा होगा वहां अजाब नहीं आएगा। बंदे ने कहा था मोहम्मद अगर अल्लाह के नबी है, ऐ खुदा तूने नबी बनाया है तो अजाब भेज, अल्लाह ने अजाब ना भेज के आयत भेजी, जहां मोहम्मद होगा वहां अजाब नहीं आएगा। गदीर के मैदान में हारिस इब्ने नुमान फहरी ने अमीर अल मोमिनीन की विलायत के खिलाफ पहला मुकसर होने का बाजाबता ऐलान करते हुए मोहम्मद मुस्तफा को तकरीर में रोक और टोक के कहा, तूने नमाज पढ़ाई हमने पढ़ी, तूने रोजा रखवाया हमने रखा, मुकसर नमाजी भी होता है, मुकसर रोजादार भी होता है, लेकिन इस बदबख्त को अली की विलायत अच्छी नहीं लगती। कहने का अब जो तूने अली को वली बनाया, अमन का मिन अल्लाह ताला, तेरी तरफ से है कि खुदा की तरफ से, का अल्लाह की तरफ से। उस बेगैरत ने अपने दोनों हाथ उठाए आसमान को देखे, कहते या अल्लाह अगर मोहम्मद सच्चे हैं, अली को तूने वली बनाया है तो आसमान से मुझ पर अजाब भेज। बेगैरत समझ रहा था क्योंकि मोहम्मद खड़ा है अजाब नहीं आएगा। अब आयत भी दूसरी आ गई, पत्थर भी आसमान से आया, साला साहिलन बेअजाबन वाके लल काफरीना, जब किसी साहिल ने वो अजाब तलब किया जो काफरों के लिए होता है, अल्लाह ने पत्थर मार के बताया मैं रिसालत के मुनकर को छोड़ सकता हूं, अली की विलायत के मुनकर ना लाई। माशाल्लाह माशाल्लाह।